सल्यूट है लड़कियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस और कुछ मत सोचो, लड़कों गलियों में घुमाओ। गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है आपका एलेक्जेंडर ब्लॉगर में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो सुबह सुबह की चाय, एक बार चाय पी चुके हैं जो अभी मैंने ब्लॉग एंड किया है, और अब मैं इनके लिए ब्रेड लेके जा रही हूँ और चाय, क्योंकि और कुछ खा नहीं रहे। मैं चलो ब्रेड चाय खा लेंगे। पहले तो मैं बोल रही थी सैंडविच वगैरह कुछ बना दी, पर नहीं खा रहे थे तो इसलिए चलो जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं चाय। तो गाइस इन्हें तो मैंने चाय वगैरह दे दी है, सैंडविच नहीं खाना था, इसलिए मैंने सैंडविच बनाया अपने। और यहाँ पर मेरी चाय, मम्मी का बनना रखे दलिया, मैं दलिया रख दिया, चाय बनता रहे। मम्मी ने भी बताया कि यानी कि मैं खाऊंगी दलिया, तो मैंने यानी कि दलिया रख दिया है, तो बन जाएगा बस। तेज तेज बार आ गया, उसके बाद उसको बंद कर दी, उसमें दूध डाली, फिर और पकाएंगे, फिर और पकाएंगे, फिर और पकाएंगे। क्या हुआ है, ड्यूटी जा रहे हो क्या है? तो गाइस चलो सैंडविच। ओह माय गॉड, अभी मेरा हाथ चल रहा है, ये ऊपर से मेरा हाथ से गिर गया गरम गरम। अरे कुछ मैं तो पता तो नहीं लगा। मुझे ना वीडियो बनानी थी, मेरे इतने सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, मैंने इनकी वीडियो नहीं बनाई है। मैं सोचिए बनाऊंगा ऐसे, आपको दिखा दूंगी किसी ब्लॉग में कि मैं ये लेके आई थी। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ के नाली में। आज मैंने एक मंगाया था साबुन खाए, तो वो यूज़ किया है, देखते हैं वो कैसा है। बहुत दिन से रखा हुआ था उसके, उसकी अनबॉक्सिंग भी शायद मैंने दिखाई है, नहीं दिखाई अभी याद नहीं है, पर मैं दिखा दूँगी कौन सा साबुन है। मैं थोड़ा यूज़ कर लूँ चार पाँच दिन, तो आपको बता दूँ क्या रिजल्ट है उसका। ओके, तो जल्दी जल्दी अपना स्किन रूटीन दे दें। किस चीज में करूँ हम, वो भी आने वाले हैं सूट आपको। एक काम खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है गाइस। तो गाइस इनकी हो रही है बहुत ज्यादा तबियत खराब, तो गाइस कैसे बोल रही हूँ से। तो ऐसे लो आपको एक सूट दिखा देती हूँ, एक ही रखा है फिलहाल, तो एक ही रखा हुआ है। और मम्मी लेके आ चुकी हैं, और मीनाक्षी लेके आ रही हैं, जो उन्हें पसंद आएगा वो हम दे देंगे। तो गाइस ये है सूट, और अभी लाइट है तो जली नहीं रही, दिखेगा कैसे, एक मिनट लाइट जलाती हूँ।
तो कुछ ऐसा है सूट, सर्दियों का सूट है, गर्म मुझे तो सही लग रहा है यार, ऐसा सही लग रहा है। चलो पहली बार आ रहा है इसलिए देना पड़ा, देना पता है उनके हस्बैंड के लिए, मम्मी ले जाएंगे तो पता नहीं कहाँ रखा है। खत्म हो गई, पहले कॉल करनी थी। चाय का लग रहा है, चाय बहुत स्पीडली ठंडी हो रही है। तो सब आ चुके हैं पर हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, मैंने भी उनसे पूछा भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहती यार एकदम से वीडियो बनाऊँ, ऐसा अजीब लगे उन्हें, तो इसलिए बस अपना ऐसे ही ठीक है। यानी कि बस उनके लिए चाय वगैरह हमने भिजवा ली है, चाय बना ली थी, चाय और चने वगैरह का खाना बना रखा है जो जिंदगी ने बनाया सब, हमने बस सफाई सफाई हमने कर ली। ठीक है तो चलो चाय पी रहे, जब खाना खाएंगे तब लेते हैं। इनके फोटो पूरा ही दिखाई दी, ये इनके फोटो कैसी हो, कैसे दिखती थी आप? अच्छी तो दिखती थी, इतनी गोरी चिट्टी गप्पा सी, गप्पा तो कहीं नहीं है, मुंह तो सुकड़ा सा ही है, पहले से मेरा पतला फेस है, आईब्रो इतनी मोटी मोटी। तो गाइस मैं आपको दिख रही हूँ, तो मैं खा रही हूँ खाना इन्हीं के पास बैठे, सबके साथ इसलिए नहीं खाया, खा रही थी, इनकी तबीयत ख़राब हो रही तो इसलिए मैं यहीं पर बैठ गई, तो यहीं पर खा लेती हूँ। या कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है अंदर जा रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये क्या था? हवा में चाय जा रही थी, तुम्हारे लिए इतना ही हो जाएगा, इतना चाय लेके आऊंगी, आधा घंटा ही करना है, रुक जाऊँ अभी। भाई उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे ठीक होगी, इतना रख देती हूँ बंद में, ठीक है, इसे बस साइड में से बटन दबा देना बंद हो जाएगी। हे गाइस तो हो चुकी है रात, जैसे कि आपको शायद मैंने अभी बता दिया था कि रात हो गई है, तो गाइस मैंने यहाँ पे ऑर्डर करके कर लिया है, कोई खाना नहीं खा रहा क्योंकि शाम सबने देर से खाया था, बस इन्हीं के लिए मुझे एक रोटी बनानी है, एक रोटी के लिए मैंने आटा बनाया है, ये बात नहीं जब खाएंगे तो मैं भी एक रोटी खाई लूँगी, और क्या। तो यहाँ पे मैंने इनके दो एग बॉईल कर दी, तो इस रात के बज रहे हैं 9 और मैंने चाय, एक रोटी और चाय बनाई है अपने लिए, ये खाना खा नहीं रहे इनके लिए, मैंने अंडे वगैरह भी कर दिए पर कुछ नहीं खा रहे, और गैस हमारी हो चुकी है ख़त्म, वो भी रात में मैंने सिलेंडर थोड़ा सा उल्टा किया तो मेरी रोटी और चाय मेरी बन चुकी है, अब सिलेंडर तो खा लगाएंगे यार, अब इससे दूर हो जाए बस, मैं तो बदबू नहीं होती थी। हे गाइस तो खाना हमारा हो चुका है, इसमें देखो कैसे दिखते हैं, कितने दूर से दिख रहा है ना, अच्छा लगता है ना इसमें ऐसे। अब कैसा लग रहा है? अरे यार यहाँ रख दूँ कुछ? कुछ नहीं है, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, क्या दो मैंने खुशी बोल दिया तो मुँह ऐसे बना लिया। ये गाइस हमारा इस पे नाम लिखा है मेरा और इनका, और इनकी खुशी आप देख सकते हो, शर्मा गई क्या, शर्मा गई क्या, मम्मी डांट दिया आगे के क्या था? दिन था मेरी बर्बादी में, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, मनीष जिसने ना देखा पीछे नहीं जा सकते, ये खुशी खुशी ये मुझसे शादी करने की खुशी थी। यानी कि या मैं सामने कुछ निकाल दो यार प्लीज, इसी की शादी करी थी तो गाइस आप देख सकते हैं, चलो इसे ऐसे लेते हैं, ये वो बता रहे तुम बोल रहे शादी नहीं करनी है, मैं तुम्हारा ध्यान कौन रख रहा है, शादी करनी है भाई साहब, शादी बहुत जरूरी है यार, है ना जिंदगी की,
गाइस मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे देखते भी नहीं है, तो मुझे बोलनी चाहिए बात, लड़कियों शादी मत करो, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, अपना ध्यान लड़कियाँ खुद रखो। अच्छा लड़कियों को खुदा ने कितना मजबूत बना के दुनिया में भेजा है, वो अपना भी ध्यान रख लेती है, दूसरों का भी ध्यान रख लेती है। सल्यूट है लड़कियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस और कुछ मत सोचो, लड़कों को गलियों में घुमाओ, लड़कों को कुछ नहीं है, लड़कों को गलियों में घुमाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो गया। लड़कों को क्या बन सकता है, लड़कों को क्या बन सकता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या था ये बोल दो। और तुम्हारा क्या होगा लड़कों का, ये तुम्हारा, मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ, यानी कि तुम्हारा क्या, लड़कों का क्या हो सकता है, लड़कों का होता है लड़के पढ़ाओ और उनको लट तोड़वाओ, लड़के पढ़ाओ लट तोड़वाओ। तो गाइस तो आज के लड़कों बच के रहना लड़कियों से, ठीक है, नारी शक्ति जिंदाबाद नारी।